से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में टेस्ट नंबर एक जो कंप्लीट किया था राजस्थान जीके का, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हमारा टेस्ट नंबर दो राजस्थान जीके, ये टेस्ट, इसमें जो प्रश्न आपसे जो करवाए जा रहे हैं वो प्रश्न आपके आगामी जितने भी राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर है दो राजस्थान जीके, इसकी शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किया था वो कौन थे? देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, शक, ऑप्शन बी है हूण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी है कुषाण। इनमें से क्या सही होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह है हूण। ठीक है, हूणों ने क्या किया था कि राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए राजस्थान से समाप्त कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, महाजनपदों में से राजस्थान में से स्थित महाजनपद थे। देखिए, ऑप्शन के अंदर तीन महाजनपद बता रखे हैं, एक है मत्स्य, एक अवंती और एक है मगध। ये तीन महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में से राजस्थान में कौन सा महाजनपद स्थित है वो हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, मत्स्य, ऑप्शन बी है अवंती, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है मगध। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, मत्स्य। ये मत्स्य महाजनपद जो है वो कहाँ है, हमारा अलवर के क्षेत्र में, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये महाजनपद पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति जो इसकी है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र भी इसके अंदर ही आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अवंती की, तो अवंती जो है वो MP के अंदर पड़ता है, MP के अंदर, जिसे मालवा की पहाड़ी बोलते हैं, जो MP के अंदर जो मालवा की पहाड़ी है उस मालवा की पहाड़ी पर। उसके बाद मगध की बात कर लें तो ये बिहार के अंदर पड़ता है मगध। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, मत्स्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, श्यामलाल मीणा, लिंबाराम, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ये दोनों, यानी कि श्यामलाल मीणा को भी मिला है और लिंबाराम को भी मिला है। बात कर लेते हैं श्यामलाल मीणा की, तो श्यामलाल मीणा को 1989 के अंदर अर्जुन पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने। और बात कर लेते हैं लिंबाराम की, तो लिंबाराम को 1991 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये बात और भी याद रखना कि लिंबाराम को 2012 के अंदर पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, लिंबाराम को
पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है, कब? 2012 में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान के अंदर का अगर खेल में आपने कुछ अच्छा काम किया है तो वो कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लिंबाराम प्रसिद्ध है, अभी हमने बात की थी लिंबाराम की, तो लिंबाराम किससे, किस खेल के अंदर सबसे प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर क्या होगा, तीरंदाजी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि मास्को ओलंपिक खेल हुए थे 1980 के अंदर। ठीक है, मास्को ओलंपिक खेल कब हुए थे, 1980 के अंदर, और उस 1980 के मास्को ओलंपिक खेल के अंदर राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये दोनों, यानी सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, ये दोनों ने क्या किया था, राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध, तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, या तैराकी से? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी के अंदर ये इस खेल खेला करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, यानी कि लुप्त होने की कगार पर है, जो नदी जो पहले राजस्थान में हुआ करती थी, मरुभूमि यानी कि मरुस्थल के अंदर बहती थी ये नदियाँ, जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये नदियाँ बहती थी, परंतु अब हाल ही में ये नदियाँ क्या है, सूख गई हैं। तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं, ए और बी होगा क्या इसका आंसर, या दृष्टवती, या सरस्वती, या गंगा नदी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, दृष्टवती और सरस्वती, ये दोनों नदियाँ क्या है, पर सूख चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी?
और विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में था यह मत्स्य देश, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, और जिसका राजा कौन था, विराट। तो कौन सा है इसका क्षेत्र, जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर के दक्षिण भाग में। हम यह भी कह सकते हैं कि अलवर भरतपुर का क्षेत्र और जयपुर का कुछ अंश इस मत्स्य देश के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं। राजस्थान के अंदर हड़प्पा के कौन से दो ऐसे स्थल हैं जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं राजस्थान के, ये ध्यान से देखना ये प्रश्न को थोड़ा सा, कि प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं राजस्थान के अंदर। सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों या आहड़। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी सोथी और कालीबंगा। देखिए सोथी कहाँ पे है, बीकानेर में है, यह हमें याद रखना है। सोथी कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, और इसका उत्खनन किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कालीबंगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर, और इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है, कब की थी, 1952 के अंदर, ये हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले टेस्ट में फिर एक नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।